हाय दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह मुझे पहली फिल्म में काम मिला। पहली फिल्म में काम तो मिल गया था, लेकिन एक करियर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन करियर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। उस फिल्म से मुझे कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं अपने संघर्ष में लग गया कि फिल्म रिलीज़ होगी तब देखेंगे। और इसी दौरान मुझे किसी ने एक प्रोड्यूसर का नंबर दिया और कहा कि ये विनोद खन्ना को लेके फिल्म बना रहे हैं, अगली फिल्म ये गोविंदा को लेके बना रहे हैं, तो आप इनसे फ़ोन करके बात कर लो, अपनी कहानी सुना दो। तो पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मेरे पास एक कहानी है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप आइए, हमें कहानी सुनाइए। और बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, मैं बड़ा खुश हुआ और दादर उनसे मिलने गया। लेकिन जब मैं दादर में उनसे मिलने गया तो जो मेरी खुशी थी वो एकदम मायूसी में बदल गई, क्योंकि जब मैंने उनसे कहा कि कहानी मैं सुनाता हूँ, तो उन्होंने कहा कहानी बाद में सुनाना, पहले आप ये बताइए कि आप पैसे हमें कितने देंगे। मैं समझा नहीं, मैंने कहा कि मतलब मैं तो राइटर हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर हम लोग अगली फिल्म में राइटर आपको ले लेते हैं जिसमें गोविंदा हीरो, तो आप तो हिट हो जाओगे, आपके पास एज ए राइटर बहुत सारी फिल्में आ जाएगी, आपको काम मिलने लगेगा, आप कार खरीद लोगे, बंगलो खरीद लोगे, हमें क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आप हमें बताइए कि आप हमें कितना पैसा देंगे, अगर आप हमें पैसा देंगे तो हम आपकी कहानी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैंने कहा कहानी तो सुन लीजिए। बोला कहानी का कोई मतलब नहीं है, आप हमें सिर्फ पहले ये बताओ कि पैसा कितना दोगे, अगर आप हमें पैसा दोगे तो ही हम आपकी कहानी लेंगे। मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, तो बोला नहीं फिर हम आपकी कहानी नहीं लेंगे। मैं चुपचाप उनके ऑफिस से बाहर आ गया और बाहर खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए, यहाँ तो राइटिंग के भी पैसे मांगे जा रहे हैं, एक्टिंग में चांस नहीं मिल रहा, भागा दौड़ी बढ़ती जा रही है, पैसे हैं नहीं मेरे पास, क्या किया जाए। यही सोचते सोचते मैं दादर स्टेशन की तरफ बढ़ा, भूख लग रही थी, थोड़े से पैसे थे, तो रूपतारा स्टूडियो के सामने एक वड़े पाव वाला खड़ा होता है, तो मैं वहाँ वड़े पाव खाने लगा। और यहाँ पर भी मेरे साथ एक अच्छा किस्सा हुआ, ये किस्सा मैं आपको बताऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।